ये बात तो हर किसी को मालूम होगी, 1 तारीख को हमारी रैंक का नया सीजन आ चुका है और आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हो, लास्ट सीजन के अंदर हम लोग ग्रैंड मास्टर पे पहुंच गए थे और हमारी रैंक को ग्रैंड मास्टर से ड्रॉप करके डायमंड 3 पे कर दिया गया है। खैर यहाँ पे हमको कुछ एम्बलम वगैरह मिल रहे हैं, इनको हम लोग फटाफट से स्किप करते हैं। और यहाँ पे आप लोग मेरी रैंक भी देख सकते हो, अभी के टाइम पे जो मेरी रैंक है वो है 2970 और हम लोग यहाँ पे डायमंड 3 पर है। और इस सीजन में हम लोग ग्रैंड मास्टर पे जाने की कोशिश तो करने वाले ही, साथ में AWM के रीजन में जाने की कोशिश भी करेंगे। खैर इसी के साथ हम लोग आ चुके हैं अपने पहले गेम के अंदर। जैसा कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास पहले से AWM तो है और मेरे सामने एक बंदा है जिसको मैंने डैमेज तो दिया है लेकिन बंदे ने ग्लू वॉल लगा लिया। यहाँ पे मैंने आयरिस का यूज भी करा है लेकिन बंदा यार ओरियन का यूज कर रहा है। ओके वो अंदर जाने की कोशिश कर रहा है, अबे यार मिस कर दिया मैंने। चलो कोई बात नहीं, हम लोग एक काम करते हैं, नेड वगैरह करते हैं। यहाँ पे मैं थोड़े बहुत नेड वगैरह तो करता हूँ लेकिन नेड से कोई फायदा नहीं होता है, तो मैं जोन के अंदर चले जाता हूँ और जोन के अंदर बंदों को ढूंढ ही रहा होता हूँ। तभी लकीली मुझे वो बंदा मिल जाता है जिससे मेरी जोन के बाहर फाइट हुई थी। और यहाँ पे मेरी किस्मत तो देखो, वो पहले से डैमेज होता है तो एक गोली के अंदर ही खत्म हो जाता है। यहाँ पे हमारा एकदम से पहला किल तो हो चुका है, अभी केवल यहाँ पे 2 किल ही करने बाकी रह रहे हैं। अब देखते देखते हमारा जोन भी आ चुका था इसलिए मैं जोन के अंदर जाने के लिए रोटेशन ले ही रहा होता हूँ और हम लोग तो लगभग जोन के अंदर पहुंच ही लिए लेकिन एक बंदा गाड़ी से आ रहा है। मैंने एक गोली मारी है, ओके बंदे का सोनिया बन गया था, डाउन हो गया। अबे भाई बंदा क्लियर हो जाए वरना रिवाइव हो गया तो भाई दिक्कत हो सकती है, क्या पता जोन से ही एलिमिनेट हो जाए। ओके मुझे लग तो रहा था ये बंदा जोन से एलिमिनेट होने वाला है लेकिन ये खुद ही क्लियर हो जाता है। अब जैसे मैं जोन के अंदर जाता हूँ यहाँ पे किसी बंदे ने माइन लगा रखा था, आप लोग देखो जैसे माइन पड़ता है एक बंदा पीछे से ट्रोगन लेके मेरे ऊपर चढ़ जाता है जो कि बहुत ज्यादा डैमेज दे देता है। लेकिन हाँ मैं यहाँ पे खुद को कवर कर लेता हूँ और जैसे हील करता हूँ मैं आयरिस का यूज करता हूँ, हेडशॉट मारने की कोशिश करता हूँ लेकिन हेडशॉट लगता ही नहीं है क्योंकि बंदा मूवमेंट कर रहा था। लेकिन एक टाइम पे बंदा खड़ा हो जाता है और इस बंदे को क्या ही रेड नंबर से मैं खत्म कर देता हूँ। अब जैसे मैं हील वगैरह करके ब्लू वॉल को खोल के बाहर आता हूँ यहाँ पे एक और बंदा आ जाता है। ओके बंदा EVM10 यूज कर रहा है, मैंने थोड़ा बहुत तो डैमेज दिया है, हम लोग एक काम करते हैं पहले खुद को कवर कर लेते हैं और हील कर लेते हैं। अब भाई जोन भी बहुत तगड़ा डैमेज देने लग जाएगा, हम लोग को पहली जोन के अंदर जाना पड़ेगा। अबे ये बंदा अभी तक नहीं गया। ओके यहाँ पे हम लोगों ने इस बंदे को तो हेडशॉट मार दिया और भाई लेकिन इस बंदे ने हमारी हेल्थ कितनी कम कर दी है, हम लोग को थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा। हम लोग पहले आगे चलते हैं और फिर हील करते हैं, क्या पता कोई एक गोली में खत्म कर दे। अब मैं हील वगैरह करके जैसी जोन के अंदर आता हूँ हमारे अलावा खाली आखिरी का बंदा ही बसता है और जो कि हमारे सामने ग्लूवल लगाए रखता है। मैं ग्लूवल पे आयरिस का यूज करता हूँ और मेरे को उस बंदे की लोकेशन मिल जाती है। मैं उसको मारने की कोशिश तो करता हूँ लेकिन आगे चल के एक गोली तो कनेक्ट होती है। मैं जैसी रस करता हूँ तभी मालूम पड़ता है इस बंदे के पास भी ट्रोगन है। भाई आजकल गेम के अंदर सारे बंदे ट्रोगन का यूज करने लगे हैं, थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा। इससे मैं थोड़ी दूरियां बनाए रखता हूँ और आगे चल के ये बंदा मेरे सामने आता है। जैसे ही आता है मैं इसको बहुत सारे हेडशॉट तो मारता हूँ लेकिन इसके पास ट्रोगन थी, मेरे को डर लग रहा था। इतने हेडशॉट पड़ने के बाद भी भाई बंदा खुले में रस कर रहा है। मैंने यहाँ पे ग्लूवल लगा लिया और आयरिस का यूज कर दिया। भाई क्या ही मतलब, आयरिस का यूज करके मैंने उस बंदे को इजीली खत्म कर दिया बॉडी शॉट से और यहाँ पे हमारा 9 किल के साथ हो चुका है फाइनली बुइया। और इस मैच के अंदर हमको AWM की ग्लोरी बहुत ही कम मिलती है लेकिन इसी के साथ हम लोग आ जाते हैं अपने अगले गेम के अंदर। जैसा कि आप लोग इस मैच के अंदर देख सकते हो यहाँ पे फिलहाल हमारे पास ग्रोजा है और हम लोग ड्रॉप को लूटते हैं। ओके यहाँ पे हमारी किस्मत बहुत ही बढ़िया है, हमको एडलम वाइब मिल गई है। हम लोग फटाफट से जोन के अंदर चलते हैं। अबे एक बंदा हमारे सामने आ ही चुका है, हम लोग से उड़ाने की कोशिश करते हैं। ओके यहाँ पे गोली मारी, भाई स्विच नहीं हो रही थी, अभी बंदा हेडशॉट मार देता। चलो कोई बात नहीं, हम लोग थोड़ा दूर चलते हैं क्योंकि एकदम दूर चलाने के लिए ही होती है, इतनी शॉर्ट रेंज के अंदर चलाएंगे। अबे यार बंदे ने गाड़ी जला दी। खैर इसी के साथ हम लोग आयरिस का यूज करते हैं। ओके बंदा रस कर रहा है। ओके एक गोली तो मार दिया इस बंदे को, हम लोग MAC-10 से ही खत्म कर देते हैं। अबे भाई बंदा पता नहीं कितना जिद्दी था, हम लोग को आखिरी में भी इतना ज्यादा डैमेज देके चला गया। अगर मान लो इसकी फुल पावर होती तो ये तो हमको खत्म ही कर देता। खैर इसी के साथ यहाँ पे हमारे 5 किल तो हो गए लेकिन हाँ एडलम से अभी तक हमारा एक भी किल नहीं हुआ। अब जैसे मैं लूट लाट के थोड़ा आगे जाता हूँ यहाँ पे एक बंदा बैठा होता है, इसको मैं पहले बॉडी शॉट मारता हूँ लेकिन तभी मेरे को मालूम पड़ता है ये बंदा ऑफलाइन है और मैं इस बंदे को AWM से हेडशॉट बना के बहुत ही आसानी से खत्म कर देता हूँ। जैसे मैं इसको लूट के जोन के अंदर जाता हूँ आखिरी का बंदा भाई ओपन में ही भाग रहा होता है जिसको मैं ट्रक से उड़ा देता हूँ लेकिन वो बंदा ग्लूवल लगा लेता है। अब बंदा ऊपर तो चला गया था मेरे सामने से, पता नहीं बंदा गायब तो हो गया था लेकिन हील करने की जगह बंदा मेरे ऊपर ही रस कर देता है, तो मैं उस बंदे को एक गोली और मार देता हूँ, उसका सोनिया बन जाता है और वो डाउन हो जाता है। मैं उसको फटाफट से MAC-10 से क्लियर कर देता हूँ और ये वाला मैच हमारा मैका ड्रैक वाला इवेंट था, तो इस वाले मैच के अंदर हमको बहुत ही बढ़िया वाली प्लस तो मिल ही जाती है और साथ के साथ AWM की भी पूरी ग्लोरी मिल जाती है। हम लोग आ चुके हैं अपने अगले गेम के अंदर। यहाँ पे हमारा मैप आया हुआ है नेक्स्ट ईरा और आप लोग देख सकते हो यहाँ पे सभी लोग गाड़ी वगैरह चला रहे हैं। हमारे सामने एक बंदा है जो कि गाड़ी चला रहा है, हम लोग इसके हेड मारने की कोशिश करते हैं। अबे यार कनेक्ट भी नहीं हुआ।
ओके 125 का डैमेज गया है, लेकिन गाड़ी लेके बंदा भाग गया। ओके एक बंदा सामने से और आया गाड़ी लेके, इसको भी मारने की कोशिश करते हैं। ओके ओके इसको 156 का डैमेज तो गया है, लेकिन बंदा वो भी गाड़ी लेके चला गया। अब यहाँ पे मेरी एमओ खत्म हो जाती है, जो कि मैं वेंडिंग मशीन से जाके परचेज कर लेता हूँ। अब जैसे ही मैं थोड़ा आगे की साइड को आता हूँ, सामने एक बंदा ओपन में भाग रहा होता है, जिसको मैं डैमेज दे देता हूँ और आयरिस का यूज करके उसको खत्म करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन उसका होमर आके मेरे को लग जाता है। लेकिन यार वो बंदा वॉल के पीछे चले जाता है। अब यहाँ पे मेरे को ड्रॉप के अंदर से और एमओ मिल जाती है। अब जैसे मैं लूट के थोड़ा आगे की साइड को जाता हूँ, भाई बंदे बाहर गाड़ी वगैरह बढ़िया चला रहे, एक बंदा है बाइक लेके, मैंने डैमेज दिया है। ओके बंदे को एक और गोली मारनी है बस। ऑल राइट यहाँ पे एक गोली और मार दे, यहाँ पे हमारे 3 किल तो हो चुके हैं और हम लोग फटाफट से लूट लेते हैं। एंड भाई कोई बंदा थर्ड पार्टी ना कर दे। अब यहाँ पे मैं देखना कितनी बड़ी गलती करूंगा। एक बंदा मेरे सामने आता है, जिसको मैं पहले 159 का डैमेज देता हूँ, और यहाँ पे मेरे पास आयरिस चार्ज नहीं था तो मैं लॉन्चर फेंक ही रहता हूँ। तभी एक गाड़ी मेरे सामने से आ रही होती है, मैं सोचा था गाड़ी के अंदर बैठ जाऊंगा, लेकिन नहीं, मेरी बाइक को साथ में उड़ा देता है और मेरी बाइक जल जाती है और मैं यहाँ पे डाउन हो जाता हूँ। अब जिस बंदे ने मेरे को मारा था वो बंदा भी खत्म हो जाता है, लेकिन पता नहीं ना जाने मैं कैसे खत्म हो जाता हूँ और यहाँ पे इतना अच्छा खासा बुइया मेरे हाथ से चला जाता है। इस मैच के अंदर हमको 24 की प्लस मिल जाती है और मैं इस छोटी सी गलती की वजह से एडलम की पूरी ग्लोरी भी नहीं ले पाता हूं। इसी के साथ हम लोग आ जाते हैं अपने अगले गेम के अंदर। वैसे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मेरे सामने एक बंदा रहता है, जिसको मैं गाड़ी से उड़ा देता हूँ, लेकिन क्लियर इसलिए नहीं करता हूँ कि मेरे पास में बहुत सारे बंदे थे। एक बंदा मेरी गाड़ी जला देता है, तो यहाँ पे मैं अपना किल कन्फर्म करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो रिवाइव हो जाता है तो मैं रश कर देता हूँ। यहाँ पे मैं आयरिस का यूज करके उसे क्लियर करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ऊपर से एक एनिमी था तो अपने को पूरा कवर कर लेता हूँ, लेकिन फिर भी मैं इस बंदे को मार नहीं पाता हूँ। लेकिन इतने एक बंदा बाइक लेके हमारे ऊपर रश कर देता है, मैं तो बाइक के अंदर बैठ जाता हूँ और दूसरा बंदा मेरे को डैमेज देता रहता है, लेकिन कैसे ना कैसे करके मेरा ड्राइवर मेरे को जोन के अंदर लेके आ जाता है। अब जोन के बाहर कुछ बंदे फाइट कर रहे थे, तो ये बंदा गाड़ी को उधर ही लेके चले जाता है, तो मैं इसको पहले डैमेज दे देता हूँ और एक बंदा होता है डैमेज, उसको मैं एक गोली में मार देता हूँ। अब जो सामने वाला बंदा था उसकी बाइक जल चुकी है और वो बंदा डाउन हो गया। अब यहाँ पे एक और बंदा जो कि ग्लूवल के अंदर पैक है, हमें थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा। ओके वो बंदा हमारे सामने आ चुका था, हमने उसे एक गोली के अंदर खत्म कर दिया। अब जो ग्लूवल के अंदर बंदा है इसको हमने डैमेज दिया है। ओके बंदे ने फिर से अपने को पूरा कवर कर दिया। अब देखते देखते ये ग्लूवल वाला बंदा भी बाहर आ जाता है। यहाँ पे मेरे को AWM से किल करने थे और उसके पास UMP थी, इसलिए मैं थोड़ा दूर चले जाता हूँ और वो बंदा मेरे सामने जैसे ही आता है मैं उसको एक गोली मार देता हूँ, उसी में बंदा खत्म हो जाता है और इसी के साथ हमारे यहाँ पे 6 किल हो जाते हैं। अब इस मैच के अंदर मेरा गेम बहुत ही बढ़िया जा रहा था, लेकिन इस गेम प्ले के अंदर भी मैं आखिरी वाले बंदे से जाके मर जाता, लेकिन इस मैच के अंदर मेरे AWM से किल कम्प्लीट हो रखे थे, इसलिए भाई मेरे को ज्यादा दुख नहीं होता है। और कुछ देर बाद फाइनल हमारी डायमंड 4 से हीरोइक लग जाती है। अब हीरोइक के बाद से भाई बहुत ज्यादा हार्ड लोबी आनी शुरू हो गई थी, लेकिन कैसे ना कैसे करके हम लोग हर मैच के अंदर प्लस लेते जा रहे थे और AWM का यूज करते करते हम लोग आ जाते हैं हमारी इलाइट हीरोइक के बिल्कुल नजदीक। इसी के साथ हम लोग आ चुके अपने अगले गेम के अंदर। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हमारे घर के सामने एक बंदा है और यहाँ पे वो बंदा पता नहीं क्या कैंप कर रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है। हम लोग एक काम करते हैं, पहले रश करके देखते हैं। ऑल राइट यहाँ पे बंदा कैंप ही कर रहा हैड बनाता हूँ। अबे भाई बॉडी शॉट लग गया उस बंदे को, मैंने हैड मारता लेकिन एक बंदा थर्ड पार्टी भी कर रहा है। ओके हम लोगों ने इस बंदे को तो मार दिया, वो कुम बन के छुपने की कोशिश कर रहा था। अब जैसे इस बंदे को मैं मार देता हूँ, जो बंदा हम पे थर्ड पार्टी कर रहा था वो थोड़ा आगे की साइड को आ जाता है और जैसे वो मेरे को दिखता है मैं उसको पहले एक गोली मार देता हूँ। ऑल राइट अब उस बंदे ने ग्लूवल लगा लिया, हमने आयरिस का यूज करा है और भाई बंदा भाग रहा है। अभी हम लोग इसको मतलब शांति से बना के मारते हैं। ओके बंदा भाई ओपन में भागे जा रहा था और यहाँ पे बंदा डाउन हो चुका है। अब इसी के साथ हम लोग इसे क्लियर कर देते हैं इससे पहले कि वो रिवाइव हो जाए। भाई साहब यहाँ पे बंदा रिवाइव तो हो गया था लेकिन हमने इसे खत्म कर दिया और यहाँ पे हमारे 3 किल हो चुके हैं। उस एनिमी को किल करने के बाद मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, कुछ एनिमी वगैरह फाइट कर रहे थे। जैसे मैं यहाँ पे देखता हूँ एक बंदा पता नहीं कैंप कर रहा था, जिसको मैं हेडशॉट बना के मार देता, लेकिन जैसे ही लूटने जाता हूँ तभी मालूम पड़ता है यहाँ पे एक और बंदा छुपा हुआ था, जिस बंदे से वो छुप रहा था मैं उसको थोड़ा बहुत डैमेज देता हूँ, लेकिन एक बंदा मेरा किल चोरी कर लेता है। अब यहाँ से मैं लूट, यहाँ पे हमारा जोन आ गया था तो मैं जोन के अंदर आ जाता हूँ। अब जैसे जोन के अंदर आता हूँ मेरे सामने एक और बंदा होता है, जिसको मैं एक गोली मारता हूँ, ये भी मेरा किल चोरी हो जाता है और इसी बंदे ने किल चोरी करा है। शायद से पहले वाला किल भी इसी ने चोरी करा था, लेकिन इस बार मैं इस बंदे को 2 गोली मार के खत्म कर देता हूँ, मतलब डाउन कर देता हूँ और यहाँ पे ये भी मेरा किल चोरी होने वाला है शायद से, नहीं लेकिन यहाँ पे ये मेरा किल क्लियर हो गया। ओके अब आखिरी का एक ही बंदा बचा है और अगर हम लोग इसे मार देते हैं तो यहाँ पे हमारा बुइया तो हो ही जाएगा और एडम की तो हमको पूरी प्लस मिलने ही वाली है। हम लोग एक काम करते हैं, पहले तो नेट फेंकते हैं। ओके वो बंदा भाई उड़ने की कोशिश कर रहा है, भाई अच्छा समझ गया उस बंदे का भाई नेटवर्क नहीं चल रहा है। आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो उसके नीचे एक बार वाईफाई बना हुआ आया था, यानी कि उसका नेटवर्क नहीं चल रहा है। हम लोग इसे फटाफट से मारते हैं। ओके अब उसे हम लोग स्नाइपर से मारने वाले हैं क्योंकि उसका नेट तो चल ही नहीं रहा है।
अबे यार कहाँ चला गया बंदा? ओके सामने आजा भाई, क्या कर रहा है? एक काम करते हैं, पहले ग्लूमेल्टर फेंकते हैं, इसकी ग्लूवल उड़ाते हैं। ओके ये बंदा हमारे सामने आ गया, एक गोली मारी 94 का डैमेज और दूसरी गोली से बंदा खत्म। यहाँ पे हमारा 6 किल के साथ हो जाता है बुइया। और इस मैच के अंदर भी हमको AWM की पूरी ग्लोरी मिल जाती है। वैसे आप लोग भी वेपन ग्लोरी में किसी गन में पुश कर रहे हो? अगर कर रहे हो तो भाई कमेंट सेशन के अंदर बता देना कि आप लोग कौन सी गन के अंदर पुश कर रहे हो। खैर इसी के साथ हम लोग बात कर रहे हैं इस वाले मैच की, तो इस मैच के अंदर मैं ट्रोगन यूज कर रहा हूँ एंड उसी के साथ यहाँ पे मेरे पास M249 है और मैं यहाँ पे खरीदने आया हूँ AWM। लेकिन यहाँ पे पहले से एक बंद है जिसको हम लोगों ने भाई ताचे का यूज करके कितनी परफेक्टली भाई सोनिया तो बना दिए। अब फटाफट से हम लोग क्लियर कर देते हैं। अबे यार रिलोडिंग पे चली गई। ओके बंदा वापस से रिवाइव हो गया था लेकिन वापस से डाउन कर दिया। खैर इस बंदे को मारने के बाद यहाँ पे हमारे 3 किल तो हो जाते हैं और मैं जीप में बैठ के पहले हील कर लेता हूँ, यहाँ पे वेंडिंग मशीन से AWM परचेज कर लेता हूँ और जैसी आगे जोन के अंदर जाता हूँ वहाँ पे ड्रॉप के अंदर मेरे को AWM Y मिल जाती है। जैसी मैं जोन के अंदर जा रहा होता हूँ तभी मेरे को एक बंदा दिख जाता है जो की जोन के बाहर सर्वाइव कर रहा था, उसको मैं बॉडी शॉट मारता हूँ एंड वो बंदा कुछ देर बाद जोन से एलिमिनेट हो जाता है जो की मेरा किल बन जाता है। अब जल्दी से हम लोग फटाफट से जोन के अंदर चल लेते हैं। ओके सामने एक बंदा है, पहले इसको मारने की कोशिश करते हैं। अबे भाई पीछे से एक बंदा थर्ड पार्टी कर रहा है, हम लोग को पहले जोन के, भाई यार गाड़ी ही जला दी, अब जोन में कैसे जाएंगे? पहले मैं हील कर लेता हूं एंड उसके बाद हम लोग देखते हैं कैसे जोन में जाना है। भाई बंदे ने स्काइलर मार दिया है, हम लोग को भाई जाना पड़ेगा कैसे ना कैसे करके जोन के अंदर। अब यहाँ पे मेरे पास पोर्टल है, हम लोग पोर्टल का यूज करते हैं। एक बंदा गाड़ी लेके और आ रहा है। ओके बंदा गाड़ी लेके आ रहा है, हम लोग एक काम करते हैं उसकी गाड़ी रुकेगी हम बैठ जाएंगे। ओके ऐसा ही हुआ, हम लोग सी गाड़ी में बैठ गए। अब कैसे ना कैसे करके हम लोग जोन के अंदर तो पहुंच ही जाएंगे। देखते हैं ये बंदा कहाँ पे गाड़ी रोकता है, हम लोग एक काम करते हैं यहीं पे उतर जाते हैं। ओके वो बंदा भी गाड़ी से उतर ही गया। अब वहां से गाड़ी को लेके मैं जोन के अंदर आ जाता हूं और यहां पे मेरे अलावा खाली 3 ही बंदे बचे होते हैं। अब कुछ देर बाद मेरे अलावा खाली 2 ही बंदे बचे होते हैं। अब एक बंदे पे फायर कर रहा होता है तो मैं शांति से हेडशॉट बना के मार देता हूं। जैसे ही उसको मारता हूं तब मेरे को मालूम पड़ता है उस बंदे ने दूसरे बंदे को मार दिया, यानी कि यहां पे हमारा बुइया हो चुका है वो भी 5 किल के साथ। और बुइया के साथ साथ इस मैच के अंदर हमको AWM की पूरी ग्लोरी भी मिल जाती है। अब इसी के साथ हम लोग आ चुके हैं अपने अगले गेम के अंदर। यहाँ पे हमारे सामने एक बंदा है जो कि बहुत देर से मेरी गाड़ी को जलाने की कोशिश कर जा रहा है, हम लोग इसे मारने की कोशिश करते हैं। ओके यहाँ पे थोड़ा बहुत तो डैमेज दिया है, बंदा भाई हमारे पीछे आ चुका है। ओके यहाँ पे हमने इस बंदे को तो किल कर दिया। इसी के साथ यहाँ पे हमारे 3 किल हो चुके हैं। अब हम लोग फटाफट से जोन के अंदर चल लेते हैं। अब जैसे ही मैं जोन के अंदर आ जाता हूँ मेरे सामने वोकोंग रहता है जिसको मैं एकदम से एक गोली कनेक्ट कर देता हूँ और ऐसी वो बंदा मेरे ऊपर रस करता है, मैं उसको ट्रोगन से बहुत ही आसानी से खत्म कर देता हूँ। यहाँ पे हमारे 4 किल हो जाते हैं और अब जैसी मैं जोन के अंदर पहुंचता हूँ यहाँ पे हमारे अलावा खाली 2 ही बंदे बचे थे और एक बंदा मेरे को बहुत देर से डैमेज दिए जाता, वो भी भाई गाड़ी के ऊपर डैमेज दे रहा था। मैं उस बंदे को पहले तो उड़ा देता हूँ और एक AWM भी कनेक्ट करता हूँ लेकिन बंदा मरता नहीं, लेकिन हाँ फिर दूसरी गोली में मर जाता है और यहाँ पे हमारे 5 किल हो जाते हैं। अब हमारे अलावा खाली 1 ही बंदा बचा है और जो कि शायद से पता नहीं कहाँ पर है, बहुत देर से ढूंढा मैंने, एक बंदा तो मेरे को मिल गया था लेकिन दूसरा बंदा अभी तक नहीं मिला है, अब वो पता नहीं कहाँ पर छुपा हुआ है। अब देखते देखते हमारा जोन बिल्कुल छोटा हो जाता है और मेरा शक भाई बिल्कुल यकीन में बदल जाता है कि मेरे को मालूम था ये बंदा ऊपर ही कैंप कर रहा है और ऐसा ही होता है, वो बंदा ऊपर कैंप कर रहा होता है। अब यहाँ पे हमारे बीच में हो जाती है हिल बैटल। मेरे पास तो भाई अच्छी खासी सुपर मेडिकेट थी और हिल बैटल को अच्छी तरीके से करने के लिए मैं गाड़ी के अंदर बैठ जाता हूँ ताकि मेरी जॉयस्टिक वगैरह ना हिले और मैं अच्छी तरीके से भाई मेडिकेट भरता रहूं। और ऐसा ही होता है, मेरे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है और मैं बहुत ही आसानी से हिल बैटल को जीत जाता हूँ और इस मैच के अंदर हमारा हो जाता है बुइया। और जैसा कि आप लोग देख सकते हो अब बस हमको एक ही गेम खेलना है और हम लोग एलाइट हीरोइक पे पहुंचने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग आ चुके अपने फाइनल गेम प्ले के अंदर और यहाँ पे कुछ नीचे बंदे फाइट कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे थर्ड पार्टी करने की कोशिश करते हैं। ओके मैंने हेड पे एम तो ले रखा है, ऑल राइट यहाँ पे इस बंदे को मैंने क्या ही तो भाई वन टैप मारा है। अब हम लोग एक काम करते हैं पहले गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं, भाई बंदे थर्ड पार्टी कर सकते हैं। अभी मैं बंदों को ढूंढता यहाँ पर आया ही था कि मेरे को यहाँ पे एक बंदा दिखता है जो कि डैमेज था, मैं किसी का किल चोरी कर लेता हूँ वो भी एक गोली के अंदर। वहां से किल चोरी करने के बाद मैं लॉन्चर पैड का यूज करके जोन के अंदर आ जाता हूँ लेकिन इतनी गलत लैंडिंग होती है कि एक बंदे के पास ही उतरता हूँ, लेकिन भाई मैं उस बंदे को भाई हेडशॉट मार देता हूँ और यहाँ पे वो बंदा डाउन हो जाता है। अब उस बंदे को फटाफट से क्लियर करता हूँ, यहाँ पे हमारे 5 किल हो जाते हैं। अब मेरे सामने कुछ बंदे फाइट कर रहे होते हैं, एक बंदे को डैमेज देता हूँ और वो बंदा जोन के अंदर आ ही रहा होता है तो यहाँ पे 2 गोली कनेक्ट करके उसे भी खत्म कर देता हूँ। अब हमारे अलावा खाली 2 ही बंदे बचे थे और जो कि सामने फाइट ही कर रहे थे। मैं फटाफट से सामने जाता हूँ और जब तक पहुंचता हूँ एक बंदे को मार देता है और दूसरे वाले बंदे को मैं एक गोली में ही खत्म कर देता हूँ और यहाँ पे फाइनली हमारी एलाइट हीरोइक तो लग जाती है।
और दो बुए की स्ट्रीक भी लग जाती है। और गाइस इसी के साथ हम लोग बात कर लेते हैं हमारी रैंक की, कि अभी के टाइम पे गेम के अंदर हमारी रैंक कितनी चल रही है। और अपनी रैंक बताने से पहले आप लोग को याद दिला दूं, अगर आप लोग वीडियो यहाँ तक देख रहे हो इसका मतलब ये है वीडियो आपको थोड़ी बहुत तो पसंद आई रही हो, और अगर ऐसा है तो प्लीज यार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब याद से कर देना। देखो भाई ये चीज तो बिल्कुल फ्री है। खैर इसी के साथ आप लोग हमारा स्कोर देख सकते हो। और वहीं पे बात करें हमारी AWM की, कि हम लोग AWM के रीजन में है भी या फिर नहीं, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो हम लोग अभी के टाइम पे इंडिया के अंदर तो नहीं है, लेकिन हाँ दिल्ली के अंदर है, वो भी अच्छी खासी रैंक पर। एंड हाँ दैट्स इट गाइस, आज की वीडियो के अंदर बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।